ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम आपके फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को करने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने स्टार्ट किया हुआ, तो उसी क्रम में आज हम आपके नए टॉपिक, और नया टॉपिक क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को आज हम करेंगे, ठीक है, भिन्नों के प्रकार को आज हम करेंगे इस क्लास में। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने नए टॉपिक को आज करेंगे। चलिए तो आगे देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे बेटा कि सबसे पहले तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके सवाल होते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो वो आपको इनकॉल मैसेज में करना है। इनकॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, तीन बिंदु पर क्लिक करना है, तो पहला ही ऑप्शन आपका इनकॉल मैसेज का होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से सभी आंसर हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अभी, और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने आपको कैसे करना था वो ध्यान देंगे बेटा। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था 13.1, ठीक है, तो 13.1 को हम समझेंगे पहले कि 13.1 आपको कैसे करना था। तो निम्नलिखित संख्या रेखा से जुड़े कथन के सामने दिए खाली डिब्बों में छोटा या बड़ा का चिन्ह लिखनी है ना, छोटा या बड़े का चिन्ह लिखना है आपको। तो छोटा और बड़े का चिन्ह कैसे, कि मैंने लिखा चार और मैंने लिखा यहाँ पर छह, ठीक है, मैंने चार और छह लिखा, तो छह यहाँ पर बड़ा है, छह बड़ा है, तो ये होता है बड़े का चिन्ह, उसी की तरफ ये मुंह खोल देते हैं हम, है ना, तो छह बड़ा है यहाँ पर। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है दो और पांच में कौन बड़ा है, पांच बड़ा है, है ना। और मैंने नंबर लाइन या संख्या रेखा पर आपको बताया था कि जीरो के अगर राइट में हम चलते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबर कैसे होते हैं, बढ़ते जाते हैं नंबर, और जब हम जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, घटते जाते हैं नंबर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो माइनस तीन जीरो से छोटा है क्योंकि ये जीरो के लेफ्ट में आ रहा है, और जीरो के लेफ्ट में जब आ रहा है तो नंबर छोटा होगा, तो इसका मतलब जीरो बड़ा होगा। ठीक है, सी की बात करेंगे, माइनस दो और माइनस चार, तो देखो यहाँ है माइनस चार और यहाँ पर माइनस दो, तो माइनस दो के लेफ्ट में है माइनस चार, तो माइनस चार तो छोटा होगा किससे, माइनस दो से, तो इसका मतलब माइनस दो बड़ा होगा। यहाँ पर दिया है एक और माइनस एक, तो माइनस एक तो यहाँ पर है, ये रहा माइनस एक और ये रहा एक, तो एक के लेफ्ट में है माइनस एक, इसका मतलब माइनस एक छोटा होगा किससे, एक से, तो एक बड़ा होगा माइनस वन से। ठीक है, एक बड़ा होगा माइनस वन से। चलिए आगे समझेंगे, यहाँ पर दिया है माइनस छह और माइनस पांच, तो माइनस छह ये रहा और माइनस पांच ये रहा, तो माइनस छह पांच के लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो भी नंबर आता है वो छोटा होता है, ठीक है, तो माइनस छह छोटा होगा यानी माइनस पांच बड़ा, जीरो और ये माइनस वन है बेटा, तो जीरो और माइनस वन में देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर माइनस वन फिर से लेफ्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो बड़ा होगा। ठीक है, माइनस एट और वन, तो माइनस एट तो यहाँ पर है और वन यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव जो संख्या होती है, धनात्मक जो होता है वो ऋणात्मक से बड़ा होता है, इसलिए वन भी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर भी देखो धनात्मक संख्या बड़ी होगी ऋणात्मक संख्या, तो इस तरीके से बेटा आपको 13.1 करना है। ठीक है, अभी समझ में आ गया है सभी को? यस सर। चलिए अभी सेकंड की बात करेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्न सेकंड में संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित को हल करें और रिक्त स्थान भरिए, है ना। तो यहाँ पर माइनस चार और माइनस तीन के बीच की दूरी बतानी है आपको, एक। तो बिल्कुल एक होगा, देखो माइनस चार और माइनस तीन के बीच में तो एक ही दूरी है, तो एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद माइनस आठ और माइनस माइनस आठ और आठ के बीच में, तो माइनस आठ ये रहा यहाँ पर और आठ ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालते हैं हम तो 16 आता है, है ना। माइनस आठ से अगर आठ तक जाएंगे तो कितनी दूरी आएगा, 16 दूरी आएगा। दूसरा मेथड मैंने बोला था आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या है आठ माइनस छोटी संख्या है माइनस आठ, ठीक है, तो आठ प्लस आठ कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 आ गया। 16
ठीक है। अभी बी की बात कर लेते हैं तो बी को देखो, माइनस चार और छह, माइनस छह और चार के बीच की दूरी, तो बड़ी संख्या है चार और छोटी संख्या है माइनस छह, तो फिर से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस छह, तो ये कितना आ गया, दस आ गया। तो यहाँ पर कितनी दूरी होगी, दस दूरी। उसके बाद जीरो और पांच के बीच की दूरी, फिर से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, तो पांच में से जीरो जाएगा तो पांच ही बचेगा, तो पांच दूरी आएगी। जीरो और पांच के बीच की दूरी कितनी होगी, पांच। तो इस तरीके से बेटा आपको सेकंड क्वेश्चन करना था। अभी हम आ जाते हैं आगे, आगे देखो बेटा 14.1, एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 में कैसे करना है ये आपको समझना है यहाँ पर। सर, हाँ बिल्कुल, ये आता होगा आपको क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कराए। लेकिन जिन सर ये एक्सरसाइज तो हमने कर ली, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, तो ध्यान से समझ लेंगे बेटा, एक बार आप भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, एक बार आप भी रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ देखो क्या करना है, नीचे दो आकृतियों में देखते हुए कि कितने भाग में रंग भरा है, कितने भाग में रंग भरा है, भिन्न ज्ञात करें। एक तो भिन्न निकालना है और खाली डिब्बों को भी भरें, और खाली डिब्बों को भी हमें भरना है, है ना। तो यहाँ पर तो टोटल चार भाग है और एक में रंग भरा हुआ है, तो एक बटे चार, और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, बोलते हैं हर। दिख रही है बेटा, रीजॉइन करेंगे क्लास को, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको, रीजॉइन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक और हर के जगह पर आ जाएगा चार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कितने भाग है, एक दो तीन चार, चार भाग है, तो चार तो नीचे आएगा, और रंग कितने में भरा है, तीन में रंग भरा है, तो तीन आ जाएगा। तो ऊपर वाला अंश होता है, मतलब अंश तो तीन आ गया, नीचे वाला हर होता है तो ये चार, ठीक है। अभी तीसरे की बात करेंगे तो छह मेरे पास, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, रंग कितने में है, दो में ही भरा है रंग, तो दो बटे छह, तो अंश तो हो गया दो और हर हो गया छह। अभी तितली की बात करेंगे तो तितली दो भागों में डिवाइड है ना, तो दो तो नीचे आएगा और एक में भाग, एक भाग में रंग भरा है, तो एक बटे दो, तो यहां अंश आ गया एक और हर आ गया दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नावली 14.1 को कंप्लीट करना था, और काफी बच्चों ने सोल्व कर भी भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने अपने होमवर्क कंप्लीट कर भेजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एक दो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे को अपना होमवर्क करना है और ग्रुप पर सेंड करना है, सभी का होमवर्क चेक सर। हाँ बेटा बोलिए सर, मेरे दो ही क्वेश्चन गलत थे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक थी, ठीक है। सर मैं आपको सर क्लास में ये होमवर्क दिखाऊंगा सर। ठीक है बेटा, आप क्लास में आप मेरे को होमवर्क दिखा दें। चलिए तो आगे देखते हैं, अभी आगे बेटा एक और प्रश्नावली हमारे पास है, प्रश्नावली 14.2। चलिए 14.2 को भी देख लेते हैं। देखो 14.2 में क्या करना है, 14.2 में कॉलम एक का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कितने भाग है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इस कॉलम ए में डायग्राम चित्र दिए गए हैं, उसको आपको कॉलम बी से मिलान करना है। तो आठ भाग है, तो आठ भाग देखो किसके हैं, एक तो इसका आठ भाग है और एक इसका है, तो अब हमें कलर वाला भाग देखना पड़ेगा, एक दो पांच बटे आठ सर, तो पांच बटे आठ, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है, चार बटा चार। अभी दूसरा आ जाते, तो दूसरे में छह भाग है और छह भाग तो यहाँ पर चार बटे छह, वेरी गुड, चार बटे छह। थर्ड का देखेंगे, थर्ड बटा सात, तीन बटे सात, वेरी गुड। और चौथा हमारे पास है आठ बटे दस, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा छह बटे आठ, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे, और हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे, और भिन्न मैंने अभी बताया आपको कि भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग हम बोलते हैं या फिर हिस्सा बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं,
मतलब भिन्न बोलते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे सभी बच्चे बताएंगे भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग होता है। कुछ भाग का, हाँ पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग। चलिए सब बात अभी आ जाते हैं बेटा, हमने और क्या क्या इसमें पढ़ा था वो जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था कि जैसे हम डायग्राम को भी नोट करते हैं, किसको? पूर्ण को। जैसे हमारे पास कोई भी रोटी है, इसको मैंने चार भागों में डिवाइड किया और तीन भाग मैंने कलर कर दिए हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है तीन बटे चार, तीन बटे चार को ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे अभी। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, इसमें दूसरी चीज मैंने बोला था यहाँ पर कि अगर कोई भी भिन्न आपके पास है कि पांच बटे बारह है, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। वेरी गुड, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए तो अभी मेरे को बताएंगे बच्चे कि कौन से नंबर भिन्न नहीं होते हैं, जो नंबर पूर्ण होते हैं उसको हम भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये भिन्न नहीं है, हाँ जो हमारे पास पूर्ण संख्या आती है वो भिन्न नहीं होती है। तो चार बटे चार लिखा मैंने, मैंने लिखा आठ बटे दो, तो आठ बटे दो भी भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो चौक आठ होता है और चार तो एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है? एक पूर्ण है, तो ये भिन्न नहीं है बेटा। क्या समझ में आ रहा है सभी को कि कौन से नंबर भिन्न होते हैं और कौन से नंबर भिन्न नहीं होते? चलिए तो ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आपके रिकॉल टेस्ट पर। रिकॉल टेस्ट पर आ जाते, तो निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो आपको बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है, नहीं है वो बताना है, जो है वो नहीं बताना है, जो नहीं है भिन्न वो आपको बताना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए भाई, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, और सभी बच्चे अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करेंगे। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के पोल सेक्शन में उत्तर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे, और मैंने आपको बोला है कि आप जब भी पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं या किसी भी क्वेश्चन का उत्तर करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और इससे क्या होता है कि आप जो आगे के क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से आप सोल्व करते हैं, तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करते रहिए। सभी बच्चों को, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी को अपना आंसर करना है, और जिसको पोल में जाना नहीं आता है, मैं फिर से बता रहा हूं, तीन बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके ऑप्शन आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं ऑप्शन, तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर आपको टिक करना। जब बात बेटा, अभी मैं पांच सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं वो भी अपना आंसर कर दे। वेरी गुड बेटा, जिनने उन्होंने आंसर कर दिया, मेरे पास आंसर आ गए हैं। चलिए तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि कौन से भिन्न नहीं होते हैं, जो पूर्ण होती हैं। ये तो हमारे पास आधा है, तो आधा तो भिन्न होता है, पूर्ण का भाग है, नौ बटे सात भी भिन्न होता है, चार बटे नौ भी भिन्न होता है, तो ये भिन्न नहीं होता है, ये भिन्न नहीं है, तो यही सही होगा हमारा उत्तर। ठीक है, क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? दो आता है, हमारे पास आता है दो। ठीक है, और दो तो एक पूर्ण संख्या है, अगर ये पूर्ण है तो इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे, इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे। चलिए ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आया है। सर
ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बेटा वो फिर से पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो। कोई भी अगर छोटा सा भी डाउट आपका है तो अभी आप पूछ लेंगे बेटा। तो पिछले वाला समझ में नहीं आया, पिछले वाला समझ में नहीं आया मतलब ये रिकॉल टेस्ट, सर मुझे रिवीजन करा दो सर मेरा। बेटा आप एक काम करेंगे, अभी जो रिवीजन के लिए बोल रहे हैं आप, इसकी है ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा वहां से आइडिया ले सके कि किस तरीके से भिन्न को पढ़ा जाता है, कैसे हम पढ़ रहे हैं। और आप 10 मिनट पहले या फिर क्लास के बाद रुक जाना, या 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन करना, या 10 मतलब क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको रिवीजन करा दूं, ठीक है? यस सर। चल तो अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। आपका जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं बेटा, उन तीनों प्रकार को हमें अच्छे से समझना है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं भिन्न के। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि भिन्न के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, है ना। कितने प्रकार होते हैं? तीन ही प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। पे जो पहला प्रकार है उसको हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे, और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा नाम जरूर याद रखना है सभी को, अभी सभी बच्चे मैं अभी बता रहा हूँ आपके कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी बच्चों को उनके नाम याद रखने। पहला जो प्रकार होता है उचित भिन्न होता है, दूसरा प्रकार हम बोलते हैं क्या? विषम भिन्न हम बोलते हैं, या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो भिन्न है हमारे पास उसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए यहां तक समझ में आया है तो बच्चे वाई टाइप करेंगे सभी। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों को वाई टाइप करना है अगर समझ में आ गया। यहाँ तक मैंने सिंपल आपको बताया है कि भिन्न के तीन प्रकार होते हैं, पहला उचित भिन्न होता है, दूसरा अनुचित भिन्न होता है, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। सभी बच्चों को ये तीनों नाम याद हो जाने चाहिए, ठीक है? याद हो गए। चलिए याद हो गए तो एक एक करके सभी को समझेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी भिन्नों को हमें अच्छे से समझना है। देखो हम पहले भिन्न पर आ जाते हैं। पहला भिन्न क्या है बेटा? आपका उचित भिन्न है, है ना। पहला जो भिन्न है वो है उचित भिन्न, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये होता क्या है इसको पहले हम परिभाषा से समझेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनेशन से हम समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल से कि होता क्या है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो परिभाषा को देख लेते हैं पहले। पहले आपको परिभाषा को अच्छे से समझना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा इस परिभाषा पर, क्या है जब किसी भिन्न। अच्छा परिभाषा से पहले आप मेरे को ये बताइए, मैंने यहाँ पर लिखा 7/8, 7/8 तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश। अंश, अंश होता है, वेरी गुड। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है, वेरी गुड। और नीचे वाला होता है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है परिभाषा में कि जब किसी भिन्न का अंश, ये भिन्न है बेटा, ये जो लिखा गया है 7/8 इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, है ना। 7/8 एक भिन्न, तो इस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। अगर अंश जो है वो हर से कम होता है तो वह होता है उचित भिन्न। हर से क्या होगा? कम होगा, तो उसी को हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या परिभाषा सभी को समझ में आई अभी? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो यहाँ पर बताएंगे, मैंने लिखा 7/9 तो क्या ये एक उचित भिन्न होगा? यस सर। यस, क्यों होगा ये उचित भिन्न? यस सर, क्योंकि 7/9 से छोटा है, कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये होगा उचित।
वेरी गुड बेटा, चलिए मतलब आपको अभी समझ में आ गया है कि उचित भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है 3/5, है ना। तो 3/5 में तो 3 तो छोटा है 5 से, 3 कम है किससे 5 से। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से बेटा वर्ड्स पर जाएंगे। 3 छोटा है किससे 5 से, या फिर आप क्या बोलेंगे, 3 कम है, कम है सर 5 से। हाँ बोलिए सर, जितने जितने भी आपने एग्जांपल लिख रखे सर, ये तो सारे उचित भिन्न के हैं। वेरी गुड बेटा, जितने भी सारे एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, उचित भिन्न के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंश है वो हर से कम है, है ना। अंश जो है वो क्या होगा, अंश जो यहाँ पर है सभी, वो अंश क्या है, हर से कम है। या सर, न्यूमिनेटर कम है डिनोमिनेटर से। हाँ, अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न की परिभाषा बताऊं? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी जब पहले जब हम आएंगे ना अनुचित भिन्न पर तब आप बताएंगे, अभी पहले हम उचित भिन्न को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न समझ में आ गया सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। हाँ सर, क्या हुआ बेटा, फिर से बोलेंगे, आपकी आवाज कट रही है। सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बेटा प्रॉपर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हाँ, नीचे वाले को देखो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को तो न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, 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 डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो अभी समझ में आ गया सभी को, अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे जल्दी। यस सर, माइक बंद रखेंगे और वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया। वेरी, चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, चित्र आपको दिया गया है और यहाँ से हम एक बेटा माइक बंद करेंगे किसी बच्चे का, माइक होम है। यस सर, जगत के नाम से जो बच्चा है बेटा माइक बंद कर लेंगे अपना। वेरी गुड, चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ चित्र दिया गया है, तो यहाँ का जो चित्र है इसका जो भिन्न होगा वो क्या होगा, 4/8 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाग है टोटल वो कितने भाग है, वो टोटल भाग है 8, टोटल भाग है 8। ठीक है, और 4 को कलर किया गया है तो 4/8। तो अभी आपको बताना है कि ये उचित भिन्न है या नहीं, चैट बॉक्स का आंसर आना चाहिए। यस या नो, चैट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस सर, वेरी गुड। तो ये एक उचित भिन्न है क्योंकि यहाँ पर है सर, यो उचित भिन्न। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि यहाँ पर अंश जो है वो हर से कम है, अंश क्या है, हर से कम। वेरी गुड, चलिए दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पर बेटा 3 आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, तो टोटल भाग है 3 और उसमें से एक भाग को कलर, ये भी उचित भिन्न है सर। सर ये उचित भिन्न है। वेरी गुड बेटा, ये भी क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ठीक है, इसको भी हम उचित भिन्न बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सर ये उचित भिन्न है, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट को अगर देखेंगे तो ये 5 तो सर इसका ना उचित भिन्न है, बड़ा सर हर से, अंश बड़ा है हर से, तो ये भिन्न उचित नहीं है, ये भिन्न उचित नहीं है क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर, समझ आ गया सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये बेटा हमारे पास था कि दोनों तो उचित भिन्न थे लेकिन तीसरा वाला उचित भिन्न नहीं। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब बेटा यहाँ पर हम समझेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की परिभाषा कि ये होते क्या है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि होते क्या है ये, है ना। पहले तो परिभाषा की ही बात कर लेते हैं, और परिभाषा को समझने के लिए मैं पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि जो हमारे पास
जहां पर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सर यस बेटा, सर जो ये विषम भिन्न की परिभाषा है सर, ये उचित भिन्न के बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट है, वेरी गुड, बिल्कुल उल्टी परिभाषा है। वहां पर क्या था, वहां पर था अंश से, अंश क्या होता है कम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अंश बड़ा होगा। देखो लिखा भी गया है, जब किसी भिन्न, ये रहा भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। तो उसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो भिन्न लिखा गया है, ये भिन्न कैसा है, ये भिन्न है अनुचित, विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, अनुचित बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड। चलिए ये चीजें समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई सबको? यस सर। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो वो डाउट पूछिए। सर बिल्कुल क्लियर है सर ये टॉपिक, वेरी गुड बेटा। तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी देखेंगे बेटा एग्जाम्पल्स। तो यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि 5/3, 3/2, 11/8, 17/12। सर इन सभी में ना अंश ज्यादा है हर से, सब बात बेटा। अभी सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे बेटा कि यहाँ पर जो अंश है, अंश हर से क्या है, ज्यादा है, अंश हर से ज्यादा है, ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो उसी को हम बोलते हैं अनुचित, अनुचित भिन्न हम बोलते हैं। समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। अगर ये चीजें सभी को यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा एग्जाम्पल में कि सबके जो अंश है वो ज्यादा है हर से, देखो 5 ज्यादा है 3 से, 3 ज्यादा है 2 से, 11 ज्यादा है 8 से और 17 ज्यादा है 12 से, ये सभी अनुचित भिन्न है। अभी बेटा 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो तीनों पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। पहला पॉइंट नोट कि जो भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग या फिर हिस्सा, है ना, पूर्ण का कुछ भाग या फिर हिस्सा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ये पहला पॉइंट बेटा आप नोट कर लेंगे सर। यस बेटा बोलिए सर। ये डेफिनेशन आपने पिछली क्लास में भी बताई थी ना? हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन। अभी दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अंश हर से कम होता है, कम होगा तो उचित भिन्न, तो वह उचित भिन्न होता है, तो वह क्या होता है, उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, ठीक है। अभी तीसरी परिभाषा की बात करेंगे। तीसरा क्या था, अंश अगर हर से, अंश हर से ज्यादा होता है, ज्यादा या बड़ा होगा तो वह क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट भी कर देंगे। चलिए तो ये तीनों परिभाषा क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को तीनों परिभाषा में? सर बिल्कुल क्लियर है। अभी अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो अभी आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपका होगा टेस्ट और सभी बच्चे अपना आंसर ध्यान से पढ़ के कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका आंसर सही जाए सभी बच्चे। लेकिन हिस्सा क्या हुआ बेटा? सर ये पहले भाग में सर ये इसलिए कह रहे हैं सर हिस्सा। हाँ ये जो लिखा है पूर्ण का कुछ भाग या फिर हिस्सा, ठीक है, या फिर हम हिस्सा बोलते हैं, हिस्सा। चल अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये रहा बेटा क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़ लेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे इसको पहले, ठीक है। उसके बाद आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है। तो कम से कम दो बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या करना है क्वेश्चन में, कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है, किसके भाग को, ये आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन आपको देखना है और आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को अपना आंसर करना है बेटा, ठीक है। और जिन बच्चों को पोल में जाना नहीं आता है वो ध्यान से समझ लेंगे कि तीन बिंदु आपको दिए होंगे, राइट कॉर्नर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों के आंसर आ गए हैं वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, म्यूट रखेंगे अपने आप। तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको उस पर टिक करना है और फिर वोट करना है। चलिए तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपना आंसर करेंगे, और जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए मैंने बताया आपको कि आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है, और जिससे कि आप आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे, जितने बच्चे भी ज्वाइन हैं, एक्टिव रहेंगे क्लास में, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सभी का आपको आंसर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बस आपने क्लास को ज्वाइन कर कर आप बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए सभी बच्चों का रिस्पांस मेरे पास आना चाहिए। चले अभी काफी कम बच्चों ने उत्तर दिया है, तो जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को उत्तर करना, सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। कर दिया सर उत्तर, ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास उत्तर आ गए हैं, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे, जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में बेटा ध्यान रखेंगे, जो बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव है क्लास में, जो क्लास को ज्वाइन करके बैठे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी आपको नहीं बोलना है जब तक कि मैं आपका ये पोल बंद नहीं कर देता। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है वो उत्तर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पोल सेक्शन बेटा मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए थे, मतलब जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था, वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है सर। काफी बच्चों, हाँ बेटा बोलिए सर, मैं इसके आंसर को एक्सप्लेन करके बताऊं? बताइए बेटा आप, एक्सप्लेन कर सर। सर जैसे कि हमारे पास एक गोल रोटी है, हम उसका कुछ भाग ले रहे, तो सर पूर्ण का हमने कुछ हिस्सा लिया ना, इसलिए भिन्न हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं भी यही एग्जांपल आपको बताने वाला था, क्या कि अगर मेरे पास कोई भी रोटी है, बेटा अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, कोई भी अगर रोटी है और उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसका मैं कोई भी अगर एक हिस्सा यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये जो एक हिस्सा लिया है मैंने 1/4, तो ये किसका हिस्सा है, ये पूर्ण का ही तो हिस्सा है, तो पूर्ण के हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको लिखवाया भी था, 3 पॉइंट्स जो लिखवाए थे उसमें मैंने बोला भी था कि पूर्ण के कुछ भाग को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। चलिए ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें सर। हाँ बेटा सर, पिछली क्लास में आपने सर इस एग्जांपल को सर बार बार रिवाइज किया ना, तो सर ये याद आ गया, इसलिए मैंने बता दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से अगर आप रेगुलर क्लास को और बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करते हैं ना, तो आपको याद रहती है चीजें, ठीक है। तो अभी भी कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, मैं कर दिया सर। सर आपकी बात नहीं रहना, इनएक्टिव नहीं रहना है, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर करें। तो
अभी फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, फिर से ध्यान देंगे बेटा, दो बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ये समझ कर आपको आंसर करना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से आपको आंसर करना है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है और ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को उत्तर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से दो बार पढ़ लीजिए पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या, मैं फिर से पढ़कर आपको बता देता हूँ। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि उचित भिन्न हम किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब अंश सर क्या होगा। बेटा आंसर नहीं बताएंगे, आपने अगर आंसर कर दिया है वेरी गुड, अभी चुप रहेंगे, अपने आप को म्यूट कर लेंगे जब तक पोल आपका एंड नहीं हो जाता है, ठीक है। जब तक आपका पोल एंड नहीं होगा तब तक आपको आंसर नहीं बताना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, बाकी जितने बच्चे अभी आंसर नहीं किया है जिन्होंने वो भी आंसर करें। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे बेटा, लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का आपके पास, एक्टिविटी पर जैसे क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आपको उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए बेटा सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आपकी बार रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बेटा, मैंने क्या बोला है, सभी बच्चे ध्यान देंगे उस बात पे कि जब तक कि मैं पोल को एंड नहीं करूंगा किसी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, ठीक है। चलिए काफी बच्चों ने उत्तर करा, वेल गुड, ठीक है। कुछ बच्चों के उत्तर गलत भी हुए हैं लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर सही किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिंपल आपको तीन नोट लिखवाए थे, ए ऑप्शन सही होगा, तीन नोट कि अंश जो होता है अंश हर से कम होता है, हर से अगर कम होता है, हर से कम, तो उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। सर मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊं? नहीं बेटा अभी बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो अंश होता है वो अगर हर से कम है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने तीन पॉइंट में से दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है कि अंश अगर हर से क्या होगा, हर से बड़ा होगा, तो विषम भिन्न, बड़ा होगा तो वो होता है विषम, उचित विषम बोलते हैं, विषम बोलते हैं या फिर अनुचित बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। माइक को बंद रखेंगे अभी बेटा, ठीक है। तो ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। चलिए सब बात बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी छोटा सा भी अगर डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। अभी आपको फिर से क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है, और अब की बार कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे अपना आंसर करें पोल सेक्शन में और ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को सही उत्तर करें, ठीक है। तो स्क्रीन पर ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, तो आपको सिंपल बताना है। मैंने सिर्फ दो ही प्रकार के भिन्न बताए हैं अभी आपको, एक उचित और एक अनुचित। तो सभी बच्चों का आंसर है ना पोल सेक्शन में आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर किस में आना चाहिए, पोल सेक्शन में आना चाहिए। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं अभी तक, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी के सही,
ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, जो बाकी 3-4 बच्चे रह गए हैं वो भी अपना जल्दी से अपना आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद कर, 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बी ऑप्शन होगा, वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन भी लगाया है। बेटा ए तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी बेटा। सर बी, सर बी आएगा इसका, क्योंकि सर इसका अंश कम है हर से। इसका अंश क्या है? हर से कम है, हर से छोटा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक दो बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा ए तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी आपको, मिश्र भिन्न आप लगा रहे हैं, तो मिश्र भिन्न तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई है उस पर आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को सही सोल्व करना है। कि 2/5 में 2 छोटा होता है 5 से, अगर 2 छोटा है 5 से तो उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, आगे ध्यान रखना है बेटा ये चीज, तो जिसमें अंश क्या होता है छोटा होता है उसको उचित बोलते हैं, और जिसमें अंश क्या होता है बड़ा होता है उसको अनुचित। ठीक है, यही दो चीज मैंने बताई है, बस इन्हीं दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो मैंने अभी तक आपको मिश्र भिन्न के बारे में कुछ नहीं बताया। चलिए, तो अभी फिर से देखेंगे बेटा, स्क्रीन पर फिर से आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है, और क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कहां पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। आपको 12/12 बताना है किस प्रकार का भिन्न है, 12/5 बताना है किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, चलिए, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। शाबाश, चलिए सभी बच्चे इसी तरीके से आप आंसर करते रहेंगे, सभी बच्चे इसी तरीके से आंसर करें, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद कर रहा हूं, 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते, चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया। ठीक है, चलिए सब बात, तो अभी वेरी गुड। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 12/5 से, अगर 12/5 से तो ये कैसा भिन्न होगा? अनुचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को? अनुचित भिन्न होगा मतलब, यस सर, वेरी गुड। तो सी ऑप्शन हमारा सही, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही। तो जो बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन लगाया है, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब आपको आंसर लगाना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो सी ऑप्शन हमारा सही है बेटा, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ बेटा बोलिए, किसी का कुछ डाउट है क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, तो आप एक काम कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए आपका क्या डाउट है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है बेटा, तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को, तो शायद आपकी आवाज ठीक से आने लगे। चलिए, तो अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी को?
नो सर। चलिए अगर डाउट नहीं है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, सभी बच्चे वाई टाइप करें। नो सर, बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखेंगे बेटा, अब दो भिन्न हमने पढ़ लिए है ना, दो भिन्न हमने पढ़ लिए हैं और मैंने आपको बताया था भिन्न हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित, दूसरा होता है अनुचित और तीसरा होता है मिश्र। तो अभी हम मिश्र की बात करेंगे, तीसरे भिन्न पर आ जाते हैं। तीसरे भिन्न पर हम आ जाते हैं अभी, ठीक है। तो दोनों ये दो हमने पढ़ लिए हैं, उचित अनुचित, अभी हम तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरा भिन्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र के नाम से जैसे मिश्र लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड किसको करते हैं, दो या दो से ज्यादा वस्तु को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि दो वस्तुओं को आपको मिलाकर बताना है। दो वस्तुओं को क्या करना है, मिलाना है। दो वस्तु से मिलकर क्या बन, वस्तु से मिलकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। चलिए तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे अभी हम देखते हैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि क्या होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएंगे, देखो परिभाषा क्या लिखा हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कि दो वस्तुओं से मिलकर, दो वस्तुओं से मिलकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। मिलकर क्या बनेगा, मिश्र बनेगा। अब मिश्र भिन्न क्या होता है उसको हम समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्या, आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी संख्या कैसी है, पूर्ण है। ये सारी संख्या कैसी है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न, उचित पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है सर। हाँ बिल्कुल बेटा, जीरो से स्टार्ट होती है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कोई वस्तु, वस्तु जैसे मैंने रोटी लिप बना दिया यहाँ पर, तो ये एक वस्तु है ना, तो ये वस्तु कंप्लीट है, इसको हमने भाग नहीं किया, तो इसको बोल रहे हैं हम पूर्ण। मतलब एक का मतलब एक रोटी, दो का मतलब दो रोटी, तीन का मतलब तीन रोटी, चार का मतलब चार रोटी। समझ में आया अभी सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी उचित भिन्न की बात करेंगे। उचित भिन्न क्या होता है कि जिसका अंश जो होता है वो कम से कम होता है, ठीक है, कम होता है। यानी 5/7, मैंने लिखा 9/11, 9/11। तो अब देखो यहाँ पर परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी आपको, क्या लिखा है, पूर्ण तथा उचित भिन्न से मिलकर। देखो दोनों वस्तु मिल गई, मैंने यहाँ पर लिखा था दो वस्तु से मिलकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। तो पूर्ण संख्या और उचित संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं, ठीक है। मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या परिभाषा समझ में आई है सभी बच्चों को? समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये चीज आपको समझ में आई है। वेरी गुड। तो अभी हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि यहां से मैंने एक पूर्ण भिन्न को उठा लिया, पूर्ण संख्या को उठा लिया, और यहां से मैंने उठा लिया एक उचित संख्या को, उचित भिन्न को, और दोनों को मिला दिया, 2, 3/4 ना बेटा। यहां से मैंने एक पूर्ण संख्या को उठा लिया और यहां से मैंने एक उठाया उचित संख्या, उचित भिन्न को। तो यही तो बोला है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र बनाते हैं। तो मैंने तो एक पूर्ण संख्या को यहां से उठाया और उचित भिन्न को यहां से उठाया और दोनों को मिलाकर लिख दिया, तो ये होता है बेटा मिश्र भिन्न। समझ गया सर, समझ में आ गया, अभी समझ में आया सर। बेटा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ क्लास को अटेंड करें, ठीक है। चलिए अभी समझेंगे बेटा। नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने आपकी बात पूर्ण में से चार को उठा लिया और यहां से उचित भिन्न में से 9/11 को, और दोनों को अगर मिला देता हूं कि 4, 9/11, तो यही होता है बेटा क्या, मिश्र भिन्न होता है। इसी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको?
सर यस सर मिस्टर बिन के बारे में समझ में आ गया है। वेरी गुड। अगर मिस्टर बिन के बारे में समझ में आ गया है तो अभी ये रहे बेटा हमारे पास एग्जांपल, ये रहे एग्जांपल कि चार दो बटे तीन, चार दो बटे तीन एक मिश्र भिन्न होगा क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या दी हुई है और उचित भिन्न दिया हुआ है। उसी तरीके से एक एक से ही एक और एक बटे दो में एक पूर्ण संख्या दी गई है और एक उचित भिन्न दिया गया है, तो इसलिए ये दोनों भिन्न कैसे होंगे? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न होंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आई सबको। तो यहां पर हम देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। एक से ही एक बटे दो लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डायग्राम से समझ सकते हैं कि मैंने एक रोटी बनाई और उसके दो भाग कर दिए, एक रोटी बनाई और इसके दो भाग कर दिए, और फिर से हमने एक रोटी बनाई और फिर से इसके दो भाग कर दिए। अब की बार मैंने इन दोनों भाग को कलर कर दिया, इन दोनों भागों को कलर कर दिया, ठीक है, और इसका एक भाग कलर कर दिया, इसका एक भाग कलर कर दिया, या मैंने यहां पर ये पूरा कलर कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अभी तो एक रोटी पूरी कलर है, यानी ये तो पूर्ण है ना मेरे पास, कंप्लीट है, और ये मेरे पास उचित भिन्न है। हाँ, ये उचित भिन्न है, और उचित भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये क्या होगा? एक बटे दो। तो एक तो पूर्ण है और ये एक बटे दो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका मिश्र भिन्न। समझ में आया सभी को? यस सर। मिश्र भिन्न अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड बेटा, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अभी हम एक और एग्जांपल पर आ जाते हैं। अभी क्या करना है बेटा, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल बेटा सर कैसे बनाना सर डायग्राम? जैसे मैंने अभी बनाया था ना ये वाला डायग्राम, यस सर, ये वाला कि एक से ही एक बटे दो ना, इस वाले मिश्र भिन्न का मैंने ये डायग्राम बनाया, तो इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, इसी तरीके से आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, अगर गलती से हो गया है, तो हम आगे चलते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, वरना मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, इसमें आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में, और अभी मेरे से चेक कराना है। अभी सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपने नोटबुक को चेक कराएंगे। तो ये है बेटा एग्जांपल, ये है बेटा एग्जांपल क्या कि मैंने लिखा यहाँ पर दो तीन बटे चार, तो इसका आप डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। दो तीन बटे चार, तो दो तो यहाँ पर पूर्ण है, दो तो मेरे पास क्या होगा? पूर्ण होगा, और ये मेरे पास होगा उचित। चलिए तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसका डायग्राम बनाएंगे और मेरे से चेक कराएं। जिस बच्चे का बन जाएगा बेटा, वो बच्चा हैंड रेज करेगा और अपने वीडियो को दिखाएगा, ठीक है, अपना वीडियो दिखाएगा। राकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है उन्होंने शायद कर लिया है, तो बेटा वीडियो ऑन कर लेंगे अपने। हाँ, वीडियो ऑन करेंगे बेटा, चलिए वीडियो ऑन करेंगे और डायग्राम दिखाएंगे कि कैसे आपने डायग्राम बनाया, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर अभी गलत बनाया है डायग्राम आपने, सही नहीं बना है, सही नहीं बना है बेटा। देखिए यहाँ पर दो पूर्ण है आपके पास, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि दो तो रोटी आपके पास पूरी है, ठीक है। चलिए दूसरे बच्चे का चेक कर लेते हैं, पूरन लाल के नाम से जो बच्चा है, दिखाएंगे बेटा अपना। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, फिर से दिखाएंगे बेटा एक बार। वेरी गुड, लेकिन अभी भी आपने एक ही वो बनाया है ना, आपको क्या बनाना है? दो पूर्ण है बेटा आपके पास यहाँ पर, चलिए समझेंगे। चलिए एक काम करते हैं, अभी सभी
अपना वीडियो बंद कर लेंगे और ध्यान से समझेंगे कि किस तरीके इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझेंगे बेटा कैसे इसका डायग्राम बना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पूर्ण लिखा है। पूर्ण कितने, दो है मेरे पास। तो यहाँ पर रोटी, आप दो रोटी को पूर्ण बना दीजिए, एक रोटी और दो रोटी, है ना। जिसके भाग कितने यहाँ पर देख लेंगे, चार भाग है तो चार भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो दो रोटी तो पूर्ण हो गई, और तीसरी रोटी में हमारे पास कितने हिस्से है, तीन हिस्से हैं। तो ये तो मैं चारों को कलर कर दूंगा, यहाँ पर भी चारों को कलर कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैं तीन भाग को कलर करूंगा, तीन भाग को कलर करूंगा। तो एक रोटी और एक रोटी, ये तो दो रोटी हो गई, तो दो रोटी तो पूर्ण हो गई मेरे पास। और यहाँ पर कितना है बेटा, तीन बटे चार, यहाँ पर है तीन बटे चार। क्या अभी ये चीजें समझ में आई है सबको? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया है। यस सर। वेरी चलिए क्लियर है सर। वेरी गुड। अगर क्लियर है तो यहीं से बेटा एक होमवर्क आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कि आपको इसका डायग्राम बनाना है। इसका आपको क्या करना है, डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना है बेटा। एक ही मैंने होमवर्क दिया है अभी आपको कि तीन एक बटे छह, इसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे और मेरे से अपना होमवर्क को चेक कराएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। नोट कर लिया बेटा सबने, ये सबने नोट कर लिया, तीन एक बटे। यस सर। यस सर। चलिए बेटा अगर नोट कर लिया तो बेटा चैट बॉक्स में आपको वाई लिखना है ना। माइक ऑन नहीं करेंगे अभी, सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर करें। देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे थे वहां पर सिंपल आपको बोला गया कि चार को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और ये दो बटे तीन को हम उचित भिन्न बोलते हैं। इसमें एक को हमने क्या बोला, पूर्ण संख्या, और एक बटे दो को हमने क्या बोला, उचित भिन्न बोल, ठीक है, उचित भिन्न बोल। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि उदाहरण तीन से ही पांच बटे आठ, मतलब तीन पांच बटे आठ ये लिखा हुआ है। हम इसे चित्रों के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर चित्रों के द्वारा समझेंगे, जैसे अभी हमने चित्रों के द्वारा समझा था ना, वैसे ही हम इसको देखते हैं, उसी तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इसको चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तीन और पांच बटे आठ, तो तीन तो क्या है, पूर्ण है, कंप्लीट है ना, तीन तो क्या है, कंप्लीट है। तो मैंने क्या किया, जो आठ दिया हुआ है नीचे वाला, उस रोटी को आठ भाग में डिवाइड कर दिया। आप रोटी भी ले सकते हैं, मतलब आप रोटी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक ये आयत ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, लेकिन उसको आपको क्या करना है, आठ बराबर भागों में डिवाइड करना है, आठ बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो आठ बराबर भागों में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीन पूर्ण है ना, तो तीन तो मेरे पास पूरी रोटी होनी चाहिए, तीन तो पूरी रोटी होनी चाहिए, और एक रोटी का कितने भाग लेने हैं मेरे को, पांच भाग लेने हैं, आठ में से पांच भाग लेने हैं। तो जो चौथी रोटी होगी उसमें से मेरे को पांच भाग लेने हैं, किसमें से, आठ में से, टोटल आठ भाग है और पांच भाग मेरे को लेने हैं। तो ये बेटा प्रदर्शित कर रहा है क्या, तीन पांच बटे आठ। तो इस तरीके से हम मिश्र जो भिन्न होता है उसको चित्र के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अभी बताएंगे बेटा, सभी को समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। सर। यस बेटा बोलिए। सर्कल से रोटी खा रहे हैं, आप परांठे की बात करो। पराठे की बात करें, चलो तो yes, अब जो आपकी क्लास होगी बिल्कुल हम पराठे की बात करेंगे, ठीक है, पराठे की बात करेंगे। हाँ चलिए, तो अभी बेटा आपकी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बच्चा क्लास में ही रहेंगे, ठीक है, क्लास में रुक जाएंगे और अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो वो क्लास को लीव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे बच्चे कि आपको इसी तरीके से रेगुलर रहना है क्लास। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट करा, मैंने मैसेज भी छोड़ा था चैट बॉक्स में लेकिन आपने शायद देखा नहीं, और मैं बहुत देर से हैंड रेस कर रहा हूं आपके परमिशन के लिए। तो बच्चों अभी दो मिनट रुक जाइएगा। हां बेटा सभी बच्चे रुक जाएंगे अभी,
सर बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बेटा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मैं अटेंडेंस ग्रुप में भेजता हूँ और वो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है रेगुलर लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं आ रही है? सर मैंने तीन। बेटा माइक खोलिए अपना, माइक बंद हो गया आपका। हाँ, जी क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका? सर नितिन। नितिन बेटा अपना एसआर होता ना 14 जीरो नवासी 64 जल्दी बताओ 64 351। और कोई बच्चा है ऐसा जो क्लास अटेंड कर रहा है और उसकी कितने अटेंडेंस लग रही है? नो सर। अच्छा इस बैच में खाली फरमाना के स्कूल के बच्चे हैं या किसी और स्कूल के बच्चे भी हैं? सर फरमाना के ही है। सिर्फ फरमाना के है ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा अटेंडेंस कम आ रही है जी। सर मैं सिलाने का हूँ। अच्छा जो फरमाना के बच्चे हैं उनमें कोई प्रिंसिपल बनाया था ना मैंने, किसी को प्रिंसिपल बना के वो सॉरी प्रिंसिपल सॉरी मैं सॉरी प्रिंसिपल कह रहा हूँ मॉनिटर बना के आया था ना मैं किसी को? सर किसको बनाया था? अच्छा तो नितिन तुम ही बात कर रहे हो, नितिन कल तुम स्कूल जाओगे? यस सर। अच्छा बच्चे सबके मैंने सबके नाम नोट कर लिए, दीपांशु हैं कई बच्चे हैं जो वहाँ के हैं, तो आप ऐसा करिएगा आपको एक मैसेज कर रखे ना सब बच्चों से ठीक है कि लाइव क्लास में ज्वाइन कर ले सारे बच्चे ठीक है। जो बच्चे भी लाइव क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है वो सारे बच्चे कल लाइव क्लास में ज्वाइन करें, मतलब सैटरडे वाली क्लास में ठीक है ना। आप ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप उनसे कहें, और जिन बच्चों का भी कहते हैं लाइव क्लास में जुड़ना नहीं आता है या उनको प्रॉब्लम है वो उन लोगों को मेरा नंबर बांट दे दिएगा आप ठीक है ना। ठीक है सर। जिसको बोलना है वो हैंड रेज ना करे, डायरेक्ट बोल सकता है, माइक खोल के ओपन बोल सकता है मुझसे। हाँ दीपांशु, दीपांशु ठीक है आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, तो आपकी स्कूल से क्लास से ना बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं, बहुत कम ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका अभी तो, खैर आप सर होमवर्क देंगे तो ठीक है जी, थैंक यू। अरे हाँ बेटा बताइए नितिन, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर मॉनिटर किसको बताइए तो बता दो। जब मैं आऊंगा ना अब स्कूल में जो अटेंडेंस जिसके सबसे ज्यादा होगी उसे मॉनिटर बनाऊंगा मैं ठीक है। ठीक है सर। ठीक है अब आप माइक बंद कर लीजिए, मुझसे बात करनी हो तो आप वैसे बात कर लो ठीक है, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं ठीक है। थैंक यू अजीत। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जैसे सर ने बोला है कि आपके क्लास से आपके स्कूल से काफी कम बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास, तो सभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बच्चा आज क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो कल स्कूल में जाके सभी बच्चों को ये बोलेंगे कि लाइव क्लास में आप अटेंड कर लें, है ना, लाइव क्लास को अटेंड करें ठीक है। और बिल्कुल सर मॉनिटर बनाएंगे ठीक है, क्लास में वो आपको बता देंगे। तो जो भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे, जिसकी अटेंडेंस फुल रहती है सर उनको मॉनिटर बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है और ठीक है, और बाकी जो होमवर्क है मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो उस होमवर्क को आपको कंप्लीट कर देना है। समझ में आया सबको? चलिए तो अभी आप क्लास को लीव कर सकते हैं। किसी भी बच्चे, बाय बेटा, किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, वरना क्लास को लीव कर देंगे।